ऐसे कर ऐसे कर पागल है साले दुबई है वो सीआईडी फोन मिला देगा। Hey guys, what's up? Good morning. Welcome back for another episode. हम जा रहे हैं जिम क्योंकि जिम मिस नहीं कर सकते। आप भी कैसे हैं? मस्त मस्त हमारे एकदम धूप भी आ रही है और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। एनी हू, हम थोड़ा सा प्लान चेंज कर रहे हैं, कुछ और फॉलो करते हैं जो मतलब सच में रन कर पाए। मैं ये सोच रहा हूँ कि घर पे वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं। ऐसा वर्कआउट की प्रैक्टिस यहीं पे करता हूँ जो कि मैं कहीं पे भी कर सकता हूँ। जैसे बैंड बूंद से कर लिया, अपना घर पे कर लिया, क्रिस हेरिया को कर लिया, अभी सारा अंशु के पास मेरा बैंड पड़ा है, वो बैंड लेके आता हूँ, फिर हर जगह वो लेके जाएंगे, उससे वर्कआउट करेंगे। बैंड से भी बहुत बढ़िया वर्कआउट रहता है, मैंने देखा है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस बैंड होते हैं ना, कोई मोटा हो गया, कोई छोटा हो गया, कभी एक से कर लिया, कोई दूसरे कर लिया, हट उसमें भी जाती है। करने वाले बननी चाहिए, बस रूटीन बननी चाहिए, इतने बजे उठे, इतने बजे वर्कआउट किया, फिर उसके बाद बाकी काम किया। दैट इज़ मिसिंग थोड़ा सा मुझे ना, थोड़ा मैं तुम्हें इतना मोटिवेशन करता हूँ, मुझे मोटिवेट करो यार कुछ। गाइस बढ़िया मौसम हो रहा है आज, बढ़िया वर्कआउट हो जाएगा, रूटीन करने वाली थी एकदम। अभी आज पता है क्या चेंज हुआ है? पहले मैं सर वेट 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 कार्डियो वार्डियो करके कर रहा था, कुछ रूटीन में चेंज नहीं होता। आज जैसी रूटीन में चेंज हुआ मेरी फट गई थी। तो आज जो ये वाला बंदा है पता क्या करा रहा है भाई, पहले वाली एक्सरसाइज के 10 सेट्स कराया और सिर्फ 3 रैप। तो मैंने मस्त वेट लगाया था, 3 रैप मारा था। पहले लगा, पहले तो ईजी लग रहा था, 7वें सेट के बाद तो फट ली थी, 2 भी नहीं हो रहे थे। उसके बाद 6 सेट्स करवाए गीक के, मतलब और सिर्फ गैप सिर्फ 30 सेकंड का था, तो हर सेट के बीच में मैं 30 सेकंड रख रहा था, तो उसमें मेरी सांसें दिल की धड़कने और बढ़ गई थी, तो फिर ताज़ा हो गया था, ताज़ा फ्रेशनेस। 2 पैक्स कितने हमने कैलोरी बर्न कर लिए, पर टाइम ज़्यादा लगा, अच्छा वो थोड़ा मैंने वेस्ट भी किया, 779। 2 पैक्स बिल्कुल गुटे जी, अगर इसको ढंग से करो तो ये 1 घंटे में होना चाहिए, तो अब हम वो एम करेंगे। सर गाइस, हम बना रहे हैं पैपरी के अंडे, उसमें डाला हमने 3 किलो चीनी, 3 किलो अमूल शुद्ध दूध। अब इसको हिला के इसमें डाल देंगे पापड़ी स्टाइल। गाइस पापड़ी का अंडा इज रेडी, स्क्वायर पापड़ी के, हम इसको खाएंगे और मसल बनाएंगे। वैसे ये भी वो सब मिथ था, मैंने जो वाली डॉक्यूमेंट्री देखी थी उसमें दिखाया था कि अंडा वाला ये सब चीज़ें भी फ्रॉड है, और वो किस लेवल की फ्रॉड थी वो तो तुम्हें डॉक्यूमेंट्री देख के पता लगेगा। अब तो बहुत टाइम हो गया, डॉक्यूमेंट्री का नाम बताया था, डॉक्यूमेंट्री का नाम था क्या था, नॉट माई फूड, मैं देख के बताता हूँ। बाबू क्या बढ़िया वेदर है यार, भाई ठंड लग रही है मुझे। हाँ हवा चल रही है तो बढ़िया। मैं कह मैंने गंजी पहनी हुई है, गंजी बनाया इसमें ठंड लग रही है भाई। 3 दिन से जिम नहीं गया, जल्दी जा सो के फिर 1 घंटे में जिम चले गए। उसी जगह सेम जगह पे खड़ा हुआ है, मुझे पता क्या लग रहा है, ये एक बार ना एक न्यू ईयर्स पे ना एक बोट डूब गई थी, आई थिंक ये आधी बोट डूबी हुई है क्योंकि साली हिलती नहीं, ऐसा बोल नहीं सकता। या फिर अच्छा ओ उसके पास में ही बीच है तो ये डॉक हुई होगी वहाँ पे, पर ऐसे कैसे ओपन में डॉक कर सकते हैं। क्या साली गंदगी खिला रहा है। मैं अभी अंडा बना के खाया मैंने, और वो भी छोटे छोटे बाइट्स, मैं यूट्यूब पर देख रहा था तो उसमें बता रहे थे कि कैसे ढंग से खा सकते हैं खाना, लो फोक नाइफ से सब कुछ खा, या फिर जब भी कुछ खा रहे हैं तो हम चॉपस्टिक से खा, तो हम इसे छोटे छोटे पोर्शन खाएगा मुँह में, अच्छा आइडिया है, और अच्छे से चबाएगा। हाँ क्योंकि मैं एकदम ऐसे खा जाता हूँ। I can't help myself. I like good food, okay? But ये तो आज भी बुला रहे हैं पार्टी करने के लिए, पर आज हमारे जान में जान नहीं है, तेरे जान में जान है ये तो बता दियो। वो कह रहे हैं कि यहाँ चलते हैं फिर वहाँ चलते हैं, मैं कहा हाँ हाँ अभी बताता हूँ। पता नहीं, पहले तो मैंने कहा तुम अभी डेट पे जा रहे हो खुद जाओ, हम क्या करेंगे, कह रहे नहीं चल फिर हम वहाँ पे जल्दी चले जाएंगे उसके बाद हम के पार्टी करने चलेंगे। उनको बोला कि उन लोग को SLS होटल जाना चाहिए ऊपर जो पूरा। अच्छा SLS, तो वो तो मेरे को भी अच्छा लगता है भाई, SLS में बहुत पहले गए थे, SLS नहीं टॉम जॉनसन के साथ गए थे, SLS भी ओरा या कुछ है उसके ऊपर हाईएस्ट पूल इन द इन SLS है वो भाई, SLS मैं बता रहा हूँ देखो हाईएस्ट, पर वहाँ जाकर आप से चिल कर सकते हैं, और अभी तो हवा बहुत सही चल रही होगी वहाँ पे। पूपेट्स कमेंट्स पढ़ के गाइस पागल हो जाता तुम लोग, कमेंट्स ही मस्त होते हैं भाई। अभी किसी का DM आया था कि भाई मी एंड माय वाइफ टॉक लाइक यू, अभी मैंने बोला कि चल छोटे पार्टी करते हैं, उसकी बीवी कहती पापड़ी का स्टाइल। अभी किसी ने वृंदा का ईमेल भेजा है, तो मेरे उसमें भी वृंदा का ईमेल खुला हुआ है, तो लिखा है नाम लिखा है। अब खुल ले, अच्छा मुझको आया क्या, एनी वो लिखा होता है This is for Barinda, BARINDA, Barinda. Guys, मैं भी देख रहा था, स्टोरीज चेक कर रहा था, ये फैजल खान के ट्विटर पे 10K हो गए यार, मैंने देखा ट्विटर मुझे करना चाहिए, कोई सिखाएगा भाई ट्विटर मुझे, ट्विटर कैसे करते हैं जरा देखते हैं ट्विटर। मेरे पास एक अकाउंट था वो ब्लॉक हो गया था, उसमें कुछ पता नहीं मैंने गटर मस्ती की होगी। देखते हैं हमारे पास अकाउंट है कि नहीं है। 2 पट्स
डैशनी, ये मेरी बहुत पुरानी डिस्प्ले पिक्चर थी, पता नहीं कितने साल तक यही थी। सब बोलते थे कि मैं उसकी तरह लगता हूँ। कौन था वो नेशनल ज्योग्राफी वाला जो हर जगह क्रोकोडाइल के हाथ में हाथ डाल देता था? अब इसमें तो फॉलोअर्स नहीं, जाके फॉलो करो ट्विटर पे, फॉलो करो ब्रेक इट्स, कल तक 1,00,000 कर दो इसको पूपेट्स। सो गाइस बहुत बढ़िया वाला कट चुका है, कटने वाला है क्योंकि न्यू ईयर के लिए सब कुछ बुकड है। हमने पता ही नहीं एकदम बंदा बंदी के ऊपर होने वाला है यहाँ पे। जितनी भी जगह है तो बहुत एक्सपेंसिव है अभी। और तूने वो वाला 40,000 वाला कहाँ था? पेंट हाउस में कहते हैं 40,000 10 लोगों के टेबल के, 4,000 दिरहम, 80,000 रुपये न्यू ईयर के लिए पर पर्सन। तू देगा इंडिया में किसी अच्छी जगह पर जाएगा? देखो 20-30,000 रुपए से कोई पर पर्सन कंफर्टेबल नहीं। 20 और 80 में फर्क होता है। तो तू है भी फिर दुबई में ना, तो क्या हो गया पागल है क्या? 80,000 इंडिया कहते 2,000 अनलिमिटेड के लिए, 8 से मिलते नहीं ना फायरवर्क्स इंडिया में। देखो एक फूलझड़ी जला के बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर। फूलझड़ी है क्या तू? कोई आ नहीं सका पिछले जैसे जुगाड़ गया था, हम किसी के साथ घुस गए थे, वो बेस्ट था भाई। बोल दे पूछूं किसी से, इसका कोलैब नहीं मिलता क्या? और क्या सबको मैसेज भेज दे ब्रेक इट। सो गाइस बढ़िया टिक्के आ गए हैं, बढ़िया हरे हरा भरा कबाब एंड सम नाइस टिक्केस विद सम पापड़ी रोटीज। सो गाइस बढ़िया आइडिया आया अभी एक, हम सोच रहे हैं कि नहीं, ये आप पहले सबको चिल्ला चिल्ला के सारा आइडिया बता देते हो। अच्छा हाँ वैसे चलो बाद में बताऊंगा आइडिया, बट बहुत अच्छा आइडिया था, न्यू ईयर के लिए मस्त आइडिया है, अगर एग्जीक्यूट हो गया ना तो मजा आ जाएगा। नहीं है मिल रहा कि नहीं मिल रहा? चल ये बता, वो होटल नहीं था वो रेजिडेंस थे ना? हाँ बुबू बच गया, मैं खत्म करने वाला सारा का सारा लास्ट बाइट ये। अरे मैं बताता हूँ ये बहुत ही एक नंबर का कमीना होता था। हम जाते रहे टेबल पे बैठेंगे, पूरा मेन्यू ऑर्डर कर देगा, मैं तो पागल कौन खा रहा है इतना। अरे नहीं नहीं ये भी ट्राई कर लेंगे पैक करा लेंगे। तो मेरे को खाना वेस्ट करना अच्छा लगता था, ये सारा ऑर्डर कर देगा फिर मैं इसका पहले मैं नॉनवेज खा रहा हूँ अपना, फिर मैं इसका वेज भी खा रहा हूँ, फिर मैं पैक करा लूँगा, फिर मैं घर लेके जाऊँगा, फिर फिर जाके गाड़ी में बोला पेट खराब हो गया मैं बढ़ जा रही है ये हो रहा है। नहीं मेरे को वाला डे याद है, बेल्ट खोल के आ रहा तू कौन सा बेल्ट खोल के था? हमें हमें हमेशा आना पड़ता था। नहीं नहीं मेरे को वो डे याद है यार, कहाँ गए थे हम जहाँ पे बूफे खाया था यार? ओ वेस्टर्न? नहीं नहीं 16 वाली जगह। अरे मेरे को पता है किसकी बात? बारबेक्यू नेशन। नहीं बारबेक्यू के लोग सब कह रहे हैं सस्ता विकी कौशल, महंगा विकी कौशल हूँ। मैंने बोला था मैं यही बोलेगा। कहाँ जा रहे फिर आज? बिलियनर किसका बिलियनर? टाइम देख रहा है? देख टाइम देख ना, 12:40 ये भी 12:45 स्टार्ट हुआ है। भाई 2 घंटे बंद है सब, ट्यूसडे है। कहाँ गए? 3:30 तो खुला हुआ है। पक्का? हाँ लेट्स गो गेट लिट। मैं थोड़ी आ रहा हूँ। अरे यार 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 चार दिन के लिए कब लेके गया? चार दिन के लिए नहीं, पर तू तो वो 5 दिन के लिए आया साले। मेरा एक हाथी होता है वो मैं एडजस्ट कर लेता हूं। सिर्फ 3 महीने के कपड़े पड़े हुए हैं। आई नीड 5 ऑप्शंस इन डिसाइडिंग व्हाट आई वांट टू वेयर। दैट्स मी, दैट्स फाइन। एंड द फनीस्ट थिंग इज ही इज आस्किंग द चेक इन लेडी सर, यू कांट टू डू एनीथिंग, आई विल पे यू, आई विल पे यू। वेल दीदी आने खरीद से, एंड शी इज लाइक 32 kg से ज्यादा, वो सड़ी हुई थी आंटी एयर इंडिया वाली। ब्रो ही वाज बीइंग इंप्रैक्टिकल, लाइक ही शी इज लाइक 32 kg से ज्यादा बेल्ट पे मूव नहीं हो सकता। ही इज लाइक मैं पैसे दे दूंगा, मैं ना होने दे भाई। दिमाग लगा रहा ना उस टाइम, दूसरे बैग में डाल के कुछ और देता, इसके बैग में डाल दिया। पता नहीं क्या बोल रही है कि ये लैपटॉप निकाल के ये डाल दो, ये से बैग खोलेगा तू बंद करेगी क्या? बंद नहीं हो पाएगा, छोड़ पाएगा, सिर्फ 20,000 का मिल रहा है। He's moved his
5 kg shoes into my bag. He's like, no, Sunna Dalal, he's jumping clothes. I'm like, bro, this bag will get heavier. He does not understand simple logic, and he was still trying to fight with the girl, saying that check in is like, no way you can do it. She's like, 32. I don't understand what he was. मेरे साथ पहले ऐसे कभी नहीं हुआ. मैं कितने heavy bags लेके गया हूँ. वो लोग चार्ज करते हैं. They can't say no कि no. 32 से ऊपर कहीं नहीं होता गधे. 32 is the maximum. You cannot move. 40 किलो का bag नहीं जाता. अबे पागल है क्या? बिजनेस एमिरेट्स बिजनेस कितना अलाउ करते हैं 40 kg. अबे बट वो दो ले जा सकते हो. टू सूट केसेस नॉट वन केजी. वन सूट केस कैन नॉट टेल यू. वन सेकंड. अच्छा चल ठीक है. गूगल फोन निकाल ले गधे. 360 और मोर. लाइक दे डोंट हैव एनीथिंग लेस देन दैट. द फ्लाइट लाइक 60 केजी इज अलाउड इन दिस. यू कैन डू 40 40 कैन अकोमोडेट बिगर लगेज बट वे आर फ्लाइंग. जो भी है 32 से केजी से बैग ही नहीं हो सकता तुम्हारा. अगर तुम्हें स्प्लिट भी करना है तो वो दो बैग्स में होंगे. समझा? अबे यार 38 kg. चल गूगल चल दिखा दे. It's the law says now you can't buy. It can't be 32 kg because belt pay. There are people who have to move the bag from. कौन बैट लगा रहे थे? दीदी बैट लगाएंगी. ठीक है. हाँ. और अगर हुआ? फेंक के मारेगी तेरे मुंह पे. काजो तेरा. क्या दूंगा? वो सिर्फ US की फ्लाइट्स होता है 23x2. अच्छा ठीक है देख ले. मेरे को कितनी बार मना किया उसने. मैं हाथी लेके जाता हूँ. हाथी साला 40-40 kg ऐसे आता है इसमें. ऐसे आता है. No, they can still say to America, but they will not say to you. ये कोई नॉर्मल बंदा अगर 10 दिन के लिए जाएगा तो भाई 40 किलो का बैग तो बनेगा ही ना. या जूते हैं, परफ्यूम है. You can take across 2 bags. ट्रोल हो जाएगा. कह रहे नॉर्मल बंदा जा रहा है. नॉर्मल बंदा 40 किलो. ये पूरी रात चलती रहती है आवाज यहाँ पे. रात को मैं गाले दे रहा था. मैं कहा उल्लू के पट्टे तेरी पे यहीं से जाएगा. 40 kg. US, I'm sure. This is India, Dubai. अच्छा. अबे चेक चेक इन तो होता है इसके अंदर. देखो बैगेज 2x7 की. और जो तूने 20,000 वहां पे दिए इससे अच्छा तो एमिरेट्स में आ जाता. मैंने उसे कोई अपग्रेड भी नहीं दिया. मैंने कहा ऑनलाइन अपग्रेड चाहिए. मैं अपना बात कर रहा हूं. प्लीज टेल योर फ्रेंड टू रीड द लिटिल डिस्क्लेमर हियर. या रीड यू लिटिल पंक डाफ्ट पंक. रीड द फुल थिंग. ईच वेइंग लेस देन 32 केजी. ये होता है जब बंदरा कटता है. ये साउथ साउथ ये खुद एमिरेट्स में 36 केजी लेके जा चुका हूँ. ए सिंगल बैग. वो अच्छी आंटी होंगी वहां पे बैठी होंगी. उसने 200 ग्राम लिए मुझसे एक्स्ट्रा. ऐसे नहीं होता. और मेरे को कितनी बार मना किया. 32 से ओवर नहीं हुआ. दुकान और समथिंग ड्यूड लाइक इन दिस अनरेज लैंग्वेज. नो इट्स नॉट. इट्स सऊदी गद्दीन के नाम पे. बट मैं ऑनेस्टली लेके गया इंडिया. वो भी है. श्योर श्योर श्योर. देख मानेगा नहीं गूगल. अरे ठीक है. So before he put me on call with you, he was literally like, whatever Anunay says na, wo meri galti nahi hogi. Please don't get mad at me. Wo aise hi baat karta hai. Wo pata nahi kya kya bolta rehta hai. I was just like, dude, like, I'm like, how bad? ये मुझसे पूछ रही है, can I take a back at him if he says something? Yeah, but जाते ही मुझे No, he traumatized me. He's like, whatever comes out of Anunay's mouth, Divya, it's not my fault. Ha, don't blame me for it. And then why? Yes, yes, को ऐसे डरा के लाए यहाँ पे. डरा के लाना था. Yeah, डरा. इसे he traumatized me about you. Yesterday after this, I'm like, dude, like, why were you scaring me? Yeah, तो I've been chill, like, it's not been scary at all. Like, he literally traumatized me, like, as if like you will say something so mean to me that I will like feel like. अरे तो ready रहियो. मुझे कुछ बोलेगा देखो. बस तो बस don't like mind. नहीं वो धीरे से आता है. But अभी हमें 2 दिन है ना. हमें थोड़ा सा और time चाहिए. और time दे. फिर देखो पता चलेगा. नहीं तो इसकी 5 गर्लफ्रेंड होती थी. उनको मैं कुछ बोल देता था. फिर वो गुस्सा हो जाती थी. फिर वो जाके इसको बोलती होंगी कि अन्ने सो मीन. तो इसलिए वो वार्न कर रहा था. बट नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला भाई. ऐसे थोड़ी होता है. अब तो ड्राई दिया उसको. मैं क्या बोलूंगा उसको. कहूंगा थैंक यू दीदी. Hey, he was saying for him. Because that's for him. लड़की को बैग नहीं चाहिए. हमने लड़की का नाम है ड्यूड. लाइक नो नो व्हाट. I explained in the same concept. No, you were saying it. हाँ, he was saying it. लड़की को बैग नहीं चाहिए. That's what I said. You don't know my name, one. No, because he said what the guy said was girls. So he said you're 3 guys and 1 girl, and he said the girl can enter for with you guys. So he so I was explaining to him in Hindi. उसने बोला कि लड़की का क्या होगा. तो मैंने बोला लड़की हमारा. मैंने नहीं बोला लड़की का. मैंने कहा था उसका क्या होगा. मैंने बोला लड़की का क्या होगा. तो मैंने एग्जैक्ट सेम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया था. बड़ा सीधा है तू साले. गलती नहीं मानेगा. मजा आएगा तेरे को.
मैं अपने घर पे हूँ यार, तू बाहर अभी डिनर से आ रहा है, फिर भी जल्लू बना हुआ है। तो अपेरेंटली 40 किलो के कपड़े लेके आया, चार दिन से आउटफिट प्लान कर रहा है। मैंने सेम चीज पहनी घर घर में, क्या खास है इसमें? ये पालिका से गुची ले लिया इसने, गजब बेइज्जती है। अरे मुझे बोलता मैं दे देता तुझे। मैं हाथ ही निकाल रहा हूँ, हाथ ही निकलेगा। अरे मुझे मुझे बहुत बढ़िया स्टोरी आ गई, तो मैंने कहा हाथी इसके लिए बनता है। तो आई टेल यू व्हाट हैपेंड। हम गोवा बहुत जाते थे जुआ खेलने, ठीक है। एक बार हम गोवा में थे और हम ना ऐसे रेस्टोरेंट में बैठे हुए और हम खाना खा रहे हैं भाई, तो साइड से ऐसे ना टेबल थी, वहाँ बहुत सारे लड़के थे भाई। इस तो एक बंदा आके से बात करने लग गया, ये भी मतलब महाराज, तो ये भी चला गया उसके पास। फिर आके कह रहा है, ओए हमें अपने होटल रूम में बुला रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा अरे किससे बात कर रहा है, क्या कर क्या रहा है तू? कह रहे नहीं वो हमें अपने होटल रूम में बुला रहे थे। दिख रहा था मैं तभी टेबल पे बैठा हुआ और ये जैकेट के साथ चिपकने जा रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे। तू उसके टेबल पे था साले और मैं अकेला इसमें बैठा हुआ, ये कर क्या रहा है? एक बार स्टोरी मेरे पास है। एक बार हम थाईलैंड गए थे, तो इसने कहा हम ना सब कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, इस बार ना सब करेंगे। हम गए गे बार में, वहाँ दोनों हाथ पकड़ के हम कह रहे हैं हमारे पास लड़के आ रहे हैं। कहा ओ शिट, ये तो एक्टिंग ज्यादा हो गया ना, भागना पड़ेगा। नहीं नहीं तो यही पे स्टेज पे हम भी नाच रहे होंगे। मैं तेरी सॉरी बताऊं, अबे चले जा। ओह शिट। तो गाइस जब हम छोटे होते थे तो अर्णव और इसकी मम्मी को लगता था कि हम दोनों गए हैं, क्योंकि छोटे या बारहवीं क्लास में थे हम। ग्यारहवीं, अबे मैं ग्यारहवीं में था, ये दसवीं में था। ग्यारहवीं छोटा नहीं होता भाई, ग्यारहवीं छोटा ही होता है। तो जो भी है हम ऐसे मटर गश्ती करते रहते थे। हम रूम में बैठे हैं, ये नहा के आया, ये ऐसे टावल से ऐसे 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 कर रहा था। एक दिन इसकी मम्मी ने दरवाजा खोला और ये टावल से ऐसे खड़ा था, मैं सामने खड़ा था। पूछा बेटा, इसकी मम्मी ने, मैंने घर फोन किया कि बेटा आपको पता है ये दोनों लड़की हैं? कहने नहीं नहीं अरुणा की गर्लफ्रेंड है। अच्छा फिर ठीक है। इसकी मम्मी ने मेरी मम्मी से कंफर्म किया, ये लड़की ठीक तो है। सुबह सुबह की चलो चल रहे हैं, कहा तो चलो ना साथ चल रहे हैं ठेके पे, ठेके लेके चलते भाई सुबह सुबह वोडका और पीनट्स। अबे चलना, तू तो आके उठाता था हरामी। हाँ, और नहीं पीता था ना, मार के पिलाता था 50 के ठेके में, ये तो लेके जाता और था सुबह। और घर में जाता था, मम्मी मुझसे पूछे तुम सुबह ब्रश करके जा चुके, फिर से क्यों ब्रश कर रहे हो? अब क्या बोलूं कि ये सुबह शराब पिलाने लेके गया है। आजा बैठ जा, बैठ जा, इसे बैठ जा, बैठ ना, बैठ बैठ आराम से बैठ, बढ़िया लेके जाएंगे तेरे को इसमें आटा बोरी। एक्चुअली बैठ गया, चल भारी है, बहुत भारी है, खा खा के भैंसा हो गए। नीचे उतनी को भैया को लगेगा। हाँ ओए हाँ, ऐसे कर ऐसे कर, पागल है सारे तो भाई, ये वो सीआईडी फोन मिला देगा ऐसे करके कहेंगे ज्यादा पी ली। स्ट्रेचर पे लेके जा रहे हैं। लाइक दिस, लाइक दिस। अबे तू पाँव क्या फोल्ड कर रहा है साले? ऐसे पाँव फोल्ड कर रहा था। भारी है ये जद्दू साले, पुष्ट जब्बो। अबे लड़की को तो बैठने देता है साले, बेशरम। उठ साले, बहुत हो गया तेरा। मतलब बंदर की हाइट की है, क्या मस्त लग रही है। जीपर्स क्रीपर्स एडिशन मॉन्स्ट्रस। दो हेडलैम्प लगा लो बाहर और ये दाने, तिनके के दाने लगा लो, बढ़िया लगेगी एकदम पापड़ी के स्टाइल्स। टायर है ये देखना मेरे हाथ के, ये गाड़ी है ना, ले ले इंडिया, फेंक के मार पैसे। मैं
मैं वो देख रहा था, मैंने कहा जीप इंडिया 55 लाख की है, उसके बाद ऐसे मॉडिफाई करा लो एकदम बढ़िया। हाँ नहीं तो एक काम करो तू जी वैगन क्यों लेता वहाँ पे, जी वैगन बहुत महंगी है इंडिया में। कोई नहीं फेंक के मार एक ले ले, मैं कह रहा स्पीति कोई नहीं लेके गया जी वैगन, मैं लेके जाएंगे वायरल रील्स बनेंगे एकदम बढ़िया एकदम। एक और मेरी दोस्त है उसके पास 2 जी वैगन है, या तो उससे मांगनी पड़ेगी। मैं कह रहा दीदी हम चलते साथ में, चलो ओके बाय। Cheers. कल सुबह मिल रहे हैं हम। चलो बाबू, चलो बाबू। I will also meet you for sure. Okay. टटा टटा टटा. चलो बाबू. So guys, चलो. Guys, like, share, subscribe, बाबा. अच्छा सारे बंदे. So guys, आज बढ़िया पापड़ के सोल चाहिए होंगे, बहुत कुछ काटना पड़ेगा क्योंकि मेरा पूपर्स हो गया था. बहुत सारे कटाओगे वो है. Anywho guys, आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो. कल हम जा रहे हैं, पहले MG बढ़ जा रहे हैं ना? तुम जा रहे हो? चल मैं जा रहा हूँ, उसने जबरदस्ती बोला आ जाओ आ जाओ। नहीं अच्छा है, है? IMG बहुत अच्छा है। रोलर कोस्टर में फट गए थे अबे, पप्पू रोलर कोस्टर है यार ये। चलो फाइनल हम कल जाने का IMG वर्ल्ड, रात को जा रहे पार्टी करने। आई जस्ट पूपेट्स बर्बन गुड डे टीम।